सेकेंड हैंड आईफोन बाय करना चाहिए या फिर नहीं। एंड ऑलमोस्ट आप सभी चेकआउट कर सकते हैं कि मेरे पास जितने भी आईफोन्स हैं ये मैंने सब सेकेंड हैंड ही बाय किए हैं। नो डाउट मैंने कुछ इसमें से नए भी परचेज किए थे, बट ऐसा क्या है कि आपको सेकेंड हैंड आईफोन भी बाय कर लेना चाहिए और क्या चीज़ें देख कर करना चाहिए, साथ के साथ क्या कुछ प्राइस रेंज रहनी चाहिए और कहाँ से बाय करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं किसी स्टोर से बाय कर लेते हैं, कहीं छोटी मोटी शॉप से बाय कर लेते हैं या फिर किसी मोबाइल शॉप पे जाके कहते हैं कि मुझे एक सेकेंड हैंड फ़ोन दिला दो, तो वहाँ से ही परचेज़ कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड होता है कि उनके पार्ट्स जो है निकाले जाते हैं आईफोन्स के, देन उनको सेल किया जाता है। और मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने आईफोन लिया और उनके कुछ ही हफ्तों बाद आईफोन का कैमरा जो है ख़राब हो गया, यानी कि उसके कैमरे में जो है ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम या फिर उसमें एरर आनी शुरू हो जाती है। रीज़न होता है कि वो जो है आईफोन सही नहीं होते जो परचेज़ कर लिए जाते हैं। आपको मैं बहुत ही छोटी सी वीडियो बता दूंगा कैसे आप सभी इस चीज़ को चेकआउट करेंगे। सबसे पहले आप सभी चेकआउट करें कि मेरे पास ये दो आईफोन्स हैं एंड ये जो मैंने रिसेंटली आईफोन 13 को परचेज़ किया था, जिसको मैंने आपको बताया भी था कि इसकी आप सबसे पहले बैटरी हेल्थ देखो 100% है। इसकी जो प्राइस थी मैंने 50,000 रुपये बाय किया था। अब आप कहोगे भाई सेकंड हैंड 50,000 रुपये इतने पैसे क्यों दिए तूने, तो देखो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो वाकई में उतनी वैल्यू रखते हैं। जैसे कि आप सभी चेकआउट करो 100% एंड ये जो डिवाइस है मात्र 15 दिन यूज़ है, यस अंडर वारंटी है सब कुछ है, सिर्फ 15 दिन यूज़ है, तो तभी मैंने इसको जो है बाय कर लिया था। तो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या सेकंड हैंड आईफोन बाय करने चाहिए या फिर नहीं, बिल्कुल बाय करने चाहिए, पहला हो गया ये। अब आता है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, कौन से आईफोन्स को आपको बाय करना चाहिए एंड क्या कुछ देखना चाहिए। सबसे पहले आपको जाना है अपनी आईफोन की सेटिंग में, किसी भी आईफोन में, जिस भी आईफोन को आप बाय करने जाते हैं उसकी जनरल्स में जाके, अबाउट में जाके, वहाँ पे आपको पार्ट्स का एक सेक्शन मिलता है, वारंटी वगैरह चेक करनी है। और एक वीडियो मैंने डिटेल में डाली है कि आप सबसे पहले आईफोन बाय करने से पहले क्या कुछ चेकआउट करेंगे, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जाके चेकआउट कर लो। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप दो या तीन चीज़ें देखकर अपने डिवाइस को चेकआउट नहीं कर पाएंगे कि ये रियल है फिर फेक या फिर कुछ पार्ट्स हटे या फिर नहीं। और एक और चीज़ है देख लेना कि यार वो आईफोन खुला नहीं होना चाहिए और बैटरी हेल्थ कम से कम, यार अगर आप सेकंड हैंड भी लेते हो ना 85% से 85% से ऊपर ही लो, नीचे मत लो। रीज़न होता है कि जब आईफोन की बैटरी हेल्थ जो है 80 से नीचे चली जाती है ना, उसके बाद वो वाकई में बैकअप नहीं देती, आपको रिप्लेस करानी पड़ेगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर किसी आईफोन को आप लेने जा रहे हो, कोई कहता है कि इतना पुराना डिवाइस है बट उसकी बैटरी हेल्थ बताए कि यार अभी 99 है या फिर 95 है 98 है और वो इतने मंथ यूज़ है, तो आप बिलीव मत करना, क्योंकि बैटरी हेल्थ चेकआउट कर लेना सही से। क्योंकि कई लोग जो क्या करते हैं बैटरी हेल्थ को लाइक उनकी यूज़ हो चुकी होती है ख़राब वाली, तो क्या करते हैं वो डुप्लीकेट वाली डलवा लेते हैं 1200 वाली, जिसमें उनको पूरी अच्छी एक बैटरी हेल्थ मिल जाती है, तो वो मत करना। वो आप देख लेना कि बैटरी अगर चेंज है तो वो भी आपको पता लग जाएगा। आप क्या करो मेरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना, ठीक है। तो अभी देखो मैंने इस आईफोन को परचेज़ किया, तो आप सबसे पहले बैटरी हेल्थ देख लिया करो कितनी है और यहाँ पर जाके उसकी वारंटी वगैरह देख लो, बिल अगर प्रोवाइड करता है वो आपको, बिल अगर वो देता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट एक और चीज़ है कहाँ से आप बाय करें। अभी देखो कई लोग क्या करते हैं स्टोर से बाय करते हैं, जहाँ से मोबाइल्स की दुकान होती है, तो आपको ना शॉप से तो मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए बाय, क्योंकि मैं आपको बताऊं रीज़न क्या होता है। जो शॉप्स पे जाते हैं ना फ़ोन, वो एक तो सही नहीं होते हैं, दूसरा है कि वहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि उन आईफोन्स के साथ छेड़खानी करी जाती है, उनको ओपन करा जाता है, कुछ पार्ट्स वगैरह मिस आउट करे जाते हैं, ये चीज़ होती है। और अगर आप कहीं से बाय करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है आप अगर किसी को जानते हैं, या तो फिर आप ओलेक्स, जी हाँ दोस्तों मैं ओलेक्स से सभी डील करता हूँ क्योंकि मैं पंजाब में रहता हूँ, तो यहाँ पे क्या है मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी डील मिल जाती हैं और अच्छे डिवाइस मिलते हैं। ये आप फ़ोन देखो, इसको मैंने 2 साल पहले परचेज़ किया था, अभी भी बिंदास बढ़िया चलता है। और ये मैंने अभी रिसेंटली बाय किया था, 2-3 हफ्ते हुए हैं। फ़ोन की कंडीशन देखो बिल्कुल ही मक्खन एकदम, मतलब कुछ भी खराबी है नहीं इसके अंदर, कैमरा वगैरह सब चेक कर लिया करो आप। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ये है कि अंडर वारंटी है और इसके साथ साथ मुझे जो है ये लाइक 100% बैटरी हेल्थ है, बिल्कुल यूज़ नहीं है, जस्ट 15 दिन यूज़ था और इसलिए मैंने इसको बाय किया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप ये सब देख लेना कि डिवाइस की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, घिसा पिसा नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई लोग। और पार्ट्स अगर डुप्लीकेट होंगे, निकले होंगे, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है, आप चेकआउट कर लो जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और क्या कुछ प्राइस रहनी चाहिए, तो आप देखो ओलेक्स पे ना मैं बताऊं जो प्राइस रेंज डली होती है उसमें आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक अगर किसी ने 45,000 बोला है तो आप 40,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 39 पे भी आ सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप देख लिया करो सबसे पहले, और ओलेक्स पे मुझे सबसे बढ़िया डील मिलती हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे कैसी की डील होती है, लाइक वहाँ पे शॉप्स पे ज़्यादा बढ़िया डील मिल जाती है फिर लाइक ऑनलाइन अगर, तो मैं तो कहूँगा यार शॉप से मत बाय करना, क्योंकि शॉप पे जो है वो डिवाइस सही नहीं होते हैं। आप किसी को जानते हैं उससे ले सकते हैं या फिर आप ओलेक्स जैसी डील करो, और ज़्यादा यूज़ ना आईफोन लो, ठीक है, यूज़ नहीं होना चाहिए आईफोन, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। और मैंने डिटेल वीडियो तो डाली दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई कहता है कि मैंने जो है रियल वाली बैटरी डलवाई है, यानी कि ओरिजिनल बैटरी डलवाई है, तो वहाँ पे क्या होगा ना, मैं आपको एक जेन्युइन एप्पल पार्ट की सेटिंग आती है, और यदि डुप्लीकेट होगी ना तो यहाँ पे आएगा अननोन एप्पल पार्ट, सो इट मीन्स आप पता लगा सकते हैं। तो देखो ये मैंने आपको डिटेल बता दिया, नंबर एक आप सेकेंड हैंड आईफोन ले सकते हैं, ठीक है, नो डाउट। कहाँ से लेना है, शॉप से वगैरह से मत लेना, कहीं आप ओलेक्स से ले सकते हो।
और बढ़िया शॉप है या फिर कोई वेरीफाइड लाइक वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से आप ले सकते हो। और शॉप से यार मत ही लेना, क्योंकि वो जो है मोबाइल वाली शॉप जो रखते हैं वो सही नहीं होते डिवाइस, मुझे जहाँ तक लगता है। मैंने एक भी शॉप से परचेज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि वो डील भी बढ़िया नहीं होती और डिवाइस भी सही नहीं होते हैं, ठीक है। और थर्ड है कि आपको क्या कुछ चेकआउट करना है लेने से पहले, ये मैंने आपको बता दिया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ दोस्तों आप सभी कंडीशन वगैरह अच्छे से चेकआउट कर लेना। प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है मेरे हिसाब से, अगर डिवाइस की बैटरी हेल्थ जो है लाइक जैसे कि 90 से ऊपर है, तो मान सकते हो कि इसमें जो, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई 10 से 12 हज़ार आप जो है उसके अंदर करवा सकते हैं कि भाई कम कर, ठीक है। और रही बात अगर 80%, तो यार मैं तो कहूँगा मत ही लो 80% वाले डिवाइस, मतलब उनकी बैटरी जल्दी डाउन होएगी, ठीक है। कम से कम जो है 90 या फिर 85 से ऊपर ही लेने हैं डिवाइस को, और जिस हिसाब से बैटरी हेल्थ होगी उसी हिसाब से आपको प्राइस पड़ जाएगा। बाकी आप जो है अच्छी तरीके से 4-5 जगह देख लेना कि प्राइस क्या पड़ रही है, और आप एडजस्ट करवा सकते हैं ऑलेक्स में, तो बहुत ही सही तरीके से डील हो जाती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।